नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। दोस्तों, राजस्थान के लिए मंत्रिमंडल विस्तार तो मानिए लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लगातार अभी भी चर्चाएं हैं कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस का आलाकमान लगातार राजस्थान के नेताओं को बड़े बड़े पदों से नवाज रहा है, जिसमें कई नेताओं के नाम जुड़ चुके हैं और कई नेताओं के नाम अभी और जुड़ने हैं। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो राजस्थान से बड़े पदों पर गए हैं AICC में, और वहाँ पर वो कितने सफल रहे हैं। चलिए इसी का आकलन करके आज हम आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के कई वरिष्ठ प्रमुख नेताओं को चुनावों में बड़ी जिम्मेदारियां तो दी, लेकिन पिछले 8-10 सालों में जितने राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाए गए उनमें सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और मोहन प्रकाश पर भी आलाकमान ने विश्वास जताया था, लेकिन वे उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। अन्य राज्यों में प्रभारी बने प्रदेश के नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। भंवर जितेंद्र सिंह, जून 2020 में ओडिशा प्रभारी भंवर जितेंद्र महासचिव बनाए गए और उन्हें असम का प्रभारी बनाया गया, लेकिन पार्टी सफल नहीं हो पाई। अब उन्हें UP में स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस को यहां उनसे काफी उम्मीदें हैं। डॉक्टर CP जोशी, केंद्रीय कैबिनेट से जून 2013 में संगठन में लाए गए डॉक्टर CP जोशी को महासचिव बनाया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल और अंडमान निकोबार के प्रभारी बनाए गए। बाद में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का प्रभार उनके पास आ गया, लेकिन इन राज्यों में वे पार्टी को मजबूती नहीं दिला सके। मोहन प्रकाश, जून 2013 में मोहन प्रकाश को महासचिव और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया, लेकिन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अब उन्हें फिर से बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। अशोक गहलोत, अक्टूबर 2016 में पंजाब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। यहाँ हरीश चौधरी सचिव थे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, बाद में गुजरात के प्रभारी महासचिव बने। गहलोत ने पार्टी में टूट के बावजूद अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव जिताया, फिर विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर दी, हालांकि पार्टी सरकार नहीं बना सकी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ निभाया बल्कि पार्टी के भरोसे पर भी खरे उतरे। ऐसे में राजस्थान से जिन नेताओं को संगठन में भूमिका मिली है या जिन्हें आने वाले दिनों में दी जाएगी, उनके लिए CM अशोक गहलोत एक आइडियल के रूप में हो सकते हैं। ऐसे में अगर पायलट कैंप से किसी नेता को या खुद सचिन पायलट को ही आलाकमान संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है तो उन्हें गहलोत के विचारों पर अमल करना चाहिए, ताकि मिली हुई जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा सकें।